बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakdeal.com.pk। MG ZS एक EV कार है जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दी गई है। कोरोना वायरस के जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होती है, इंटरनेशनल शिपमेंट जैसे ही शुरू होंगी, फिर पाकिस्तान के अंदर जो है CBD यूनिट भी मुतारिफ करा दिए जाएंगे। जहाँ तक इसकी प्राइस का ताल्लुक है तो इसकी प्राइस 25 लाख तक है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में फॉल करती है। पाकिस्तान के अंदर जब इसकी प्राइस अनाउंस की जाएगी तो उम्मीद है कि इससे डबल ही होगी। जहाँ तक इसकी हिस्ट्री का ताल्लुक है तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ये MG मोटर्स, SAIC मोटर्स, SAIC मोटर्स है, जो कि MG ZX Piro भी इसको कहा जाता है। प्रोडक्शन 2017 से है, अब तक इसकी प्रोडक्शन चाइना के अंदर चल रही है। असेंबली शंघाई चाइना की है और इसके अलावा आपके हमसाय ममालिक इंडिया के अंदर भी ये कंपनी फॉल करती है। जहाँ तक इसकी क्लास का ताल्लुक है तो सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV है, बॉडी स्टाइल 5 डोर SUV में आता है। फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आता है। जहाँ तक इसका इंजन का ताल्लुक है तो इसके अंदर 4 किस्म के इंजन इंटरनेशनल मार्केट में मुतारिफ कराए गए हैं, जिसके अंदर 1.5 लीटर VIT मिलता है, 1.5 लीटर GM SAIC मिलता है, 1.0 लीटर टर्बो GDI के साथ मिलता है और 1.3 लीटर टर्बो GDI के साथ मिलता है। याद रखें, जितने भी ये टर्बो GDI हैं i3 पेट्रोल के साथ होंगे और 1.5 लीटर दोनों जो इंजन हैं वो i4 पेट्रोल के साथ होंगे। जहाँ तक इसकी ट्रांसमिशन का ताल्लुक है तो इसके अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल, 4 स्पीड ऑटोमेटिक, 6 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक के साथ मिलता है और 8 स्पीड CVT के साथ मिलता है। बट जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है उसके अंदर eCVT MG ZS EV SUV के अंदर आपको वो मिलेगा। जहाँ तक MG ZS के इंजन का ताल्लुक होता है, इसके अंदर आपको 1.5 डॉक VTI टैक का मिलता है, जिसकी जो टाइप है डॉक VTI टैक है, नॉर्मली एस्पिरेटेड है। पेट्रोल फ्यूल इंजेक्शन आपको मिलता है, सिलेंडर 4 मिलता है, वॉल्व पर सिलेंडर आपको 16 मिलता है। कैम शाफ्ट ड्राइव जो है इसके अंदर आपको चेन मिलती है। डिस्प्लेसमेंट 1498 cc का मिलता है। बोर mm जो है आपको 75 का मिलता है। स्ट्रॉक mm 84.8 का मिलता है। कंप्रेशन रेशो जो है 10.5 रेशो 1.0 मिलता है। मैक्सिमम जो आपको पावर देता है वो 106 की देता है। मैक्सिमम टॉर्क जो है वो आपको 141 की आपको देता है। और इसी के साथ अगर हम इसकी 1.0 GDI टर्बो चार्ज इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको GDI टाइप इंजन मिलता है, जो कि टर्बो चार्ज होगा, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन होगा। इसके अंदर आपको 3 सिलेंडर मिलते हैं। वॉल्व जो आपको वैल्यू मिलती है वो आपको 12 मिलती है। कैमशाफ्ट जो इसकी ड्राइव है वो भी इसके अंदर आपको चेन मिलती है। डिस्प्लेसमेंट 999 की मिलती है। बोर आपको 74 का मिलता है। स्ट्रॉक 77.4 का मिलता है। कंप्रेशन रेशियो 10.5 रेशियो 1.0 आपको मिलता है। मैक्सिमम पावर जो आपको देता है 111 की देता है। मैक्सिमम टॉर्क आपको 160 का देता है। जहाँ तक इसकी डायमेंशंस का ताल्लुक है, इंजन के लिहाज से इसकी बॉडी के अंदर कोई फ़र्क नहीं रखा गया। बेसिकली इसकी सेम बॉडी डायमेंशन के अंदर ही आपको जो है इंजन का साइज़ आपको चेंज मिलता है। इसी के अंदर आपको 1.5 का मिलेगा, आपको 1.3 ट्रिम वैल्यू भी मिलती है और इस तरह 1.0 का भी आपको मिलता है। अगर हम इसकी बॉडी डायमेंशन ओवरऑल की बात करें तो इसके अंदर लेंथ आपको 4314 की मिलती है। वेट आपको 1809 की मिलती है। ओवरऑल वेट आपको मिलती है 2048 की। हाइट आपको 1636 की मिलती है। व्हील बेस 2585 का मिलता है। टर्निंग सर्कल जो है आपको 11.1 मीटर का मिलता है। तो व्यूअर चलते हैं MG ZS EV के रिव्यू की तरफ। जैसे आप गाड़ी के फ्रंट हेड लुक का ताल्लुक देखते हैं तो आपको गाड़ी की एक दफ़ा जो है पाकिस्तान के अंदर एज रनिंग मॉडल, जिसके अंदर Kia Sportage, Hyundai Tucson और इसके अलावा Bugguard BX5 और Honda Vezel, उस जैसे थोड़ी सी इसकी शेप की आपको मौका मिलती है। बट एज़ पर अगर मैं इसका फ्रंट लुक की अगर एक बात करूँ, फर्स्ट टाइम देखता है तो उसके अंदर आपको एक बड़ी अमेजिंग और स्पेशियस लुक मिलती है। सेंटर के अंदर आपको वाइड एंगल के अंदर MG का लोगो मिलता है। टाइगर नोज़ ग्रिल मिलती है जो कि क्रोम के साथ कवर्ड है। जहाँ तक इसके हेडलैम्प्स का ताल्लुक है तो इसके अंदर डे टाइम रनिंग लाइट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प और साइड टर्निंग बल्ब मिलते हैं। बम्पर के अंदर आपको फॉग लैम्प्स मिलते हैं। फ्रंट पे आपको एयर डिफ्यूज़र मिलता है, जो कि इसकी टॉल बॉय होने की वजह से एरोडायनेमिक कट की तरह या एरोडायनेमिक शेप में आपको फील करता है। साइड लुक के अंदर आप गाड़ी की पूरी नीचे अंडरलाइन, अगर हम बॉटम की बात करें तो इसके अंदर आपको ब्लैक स्ट्रिप मिलती है, जो कि गाड़ी को प्रोमिनेंट करती है। जहाँ तक ये SUVs और इस तरह टाल बॉयज़ ऑफ रोडिंग कार्स के अंदर ये चीज़ें प्रोमिनेंट है। साइड लुक में जहाँ तक टायर्स का ताल्लुक है तो इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट और रियर में आपको डिस्क वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपके पास ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल और इस तरह के तमाम लेटेस्ट फीचर इसके अंदर आपको मिलते हैं। टायर साइज़ के अंदर आपको 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं, जिसकी डायमेंशन 215/50R17 है, मीन 17 इंच का जो है इसके अंदर आपको अलॉय व्हील मिलता है। कलर मैचिंग साइड मिरर आपको मिलते हैं, कलर मैचिंग आपको जो है वो इसके साइड हैंडल मिलते हैं। गाड़ी की साइड लुक के अंदर भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर मिरर्स और डोर स्पॉयलर्स के अंदर आपको मिलता है। जहाँ तक रियर साइड का ताल्लुक है तो सेंटर के अंदर आपको FM रेडियो एंटीना मिलता है, हाई माउंट ब्रेक लैम्प मिलता है, डिफॉगर्स मिलते हैं, रियर वाइपर मिलता है। बूट में आपको जो है MG का लोगो साथ ZS 1.0T GDI या 1.5 या 1.3 उसके इंजन ट्रिम वैल्यू के लिहाज से उसका आपको मोनोग्राम मिलेगा। टेल लाइट्स का ताल्लुक है तो टेल लाइट्स इसकी वाइड एंगल LED लैंप के साथ दी गई हैं। बम्पर में आपको जो है फ्रंट और बैक में रियर पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। बम्पर में आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं, क्रोम का इस्तेमाल भी मिलता है और साथ ही साथ टोइंग हुक भी मिलता है, रियर एयर डिफ्यूज़र भी मिलता है। रियर से अगर मैं बात करूँ तो एज़ इट इज़ किया स्पोर्टेज, होंडाई टूसॉन का आपको मौका मिलता है। जहाँ तक रूफ़ का ताल्लुक है तो इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। जहाँ तक MG ZS के इंटीरियर का ताल्लुक है तो इंटीरियर के अंदर आप लोग देख सकते हैं आपको 2 टोन गेज जो है इसका इंटीरियर मिलेगा, जिसके अंदर ब्लैक और क्रोम की स्ट्रिप्स मिलती हैं। चारों दरवाजे पावर विंडोज़ मिरर के साथ मिलते हैं। आपको MG का सिग्नेचर स्टीयरिंग मिलता है, जिसके अंदर मल्टीमीडिया कंट्रोलिंग सिस्टम के साथ साथ क्रूज़ कंट्रोल भी मिलते हैं। इसी तरह ड्राइवर वाली साइड पे ही आपको साइड मिरर कंट्रोलर डिटेक्टेबल के ऑप्शन भी मिलता है और ऑटो हेड लैम्प लेवलिंग भी आपको इसी के साथ मिलता है। गाड़ी के साइड हैंडल्स में ही आपको मर्सिडीज़ की तरह डोर लॉक ऑन ऑफ के बटन भी मिलते हैं। जहाँ तक मीटर का ताल्लुक है तो मीटर के अंदर आपको 8 RPM और 220 की स्पीड लिमिट मिलती है। मीटर में ही आपको इसके तमाम वार्निंग लाइट्स मिलते हैं, जिसके अंदर डोर ओपनिंग, बूट ओपनिंग, इंटीग्रेटर्स, बैटरी, इंजन ऑयल। जहाँ तक सेंटर हेड का ताल्लुक है तो सेंटर हेड के अंदर आपको 4 AC के वेंट्स मिलते हैं। नीचे आपको जो है इसका एंड्रॉयड पैनल, आपको LCD मिलता है। उसी के नीचे इसका वॉल्यूम कंट्रोलर भी आपको मिलता है। उसी के नीचे आपको इसका क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो कि एनालॉग और डिजिटल है। जहाँ तक इसके गियर बॉक्स का ताल्लुक है तो इसके अंदर ऑटो और मैनुअल दोनों वेरियंट्स आते हैं। इसके अंदर अगर हम ऑटो की बात करें तो रिवर्स पार्किंग, रिवर्स न्यूट्रल, ड्राइव स्लो और शिफ्टर के साथ आपको ड्यूल क्लच शिफ्टर के साथ आपको मिलता है, जो कि इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट होगा। जहाँ तक सीटिंग कुशनिंग का ताल्लुक है तो एज़ इट इज़ जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है तो सॉफ्ट कुशनिंग है। लेग स्पेस इसका बहुत ज़बरदस्त है। इसके तमाम तर स्पेक्स, इसके फीचर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं और एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारे ब्लॉग में भी आप लोग इसके देख सकते हैं कि आपको इसके अंदर लेग रूम, हाइट रूम कितना मिलेगा। जहाँ तक इसके बूट का ताल्लुक है तो रियर जो रो है वो 60-40 की स्प्लिट के साथ है। अदरवाइज़ इसके बूट स्पेस बगैर आप सीट फोल्डिंग किए भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिलती है। एज़ इट इज़ अगर हम लोग इसे किया स्पोर्टेज से कंपेयर करें तो मेरे लिहाज से एज़ इट इज़ सेम है। कार मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर आपको Apple CarPlay भी मिलता है, नेविगेशन भी मिलता है और इसी के साथ आपको एंड्रॉयड सिस्टम के साथ आपको मिलता है। तो व्यूअर्स, ये था MG ZS EV कार का रिव्यू। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे इसकी मज़ीद फर्दर अपडेट्स हमें मिलती जाएंगी हम लोग आपको उससे आगाह करते जाएंगे। अगर आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पाक डील ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।